हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे इम्पीडेंस ज्ञात करना। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपन ने श्रेणी RL, श्रेणी RC और श्रेणी RLC परिपथ पढ़ा था, ठीक है। इन तीनों ही परिपथों के लिए इम्पीडेंस ज्ञात करने के फॉर्मूले जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। श्रेणी RL परिपथ के लिए होता है जेड बराबर R² प्लस XL², श्रेणी RC परिपथ के लिए होता है R² प्लस XC का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और श्रेणी RLC परिपथ के लिए इम्पीडेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इन फॉर्मूले, इन सूत्रों का इस्तेमाल करके अपन आज ये देखेंगे कि कोई भी गिवन परिपथ है उसका इम्पीडेंस कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का कुल इम्पीडेंस ज्ञात कीजिए। परिपथ का कुल इम्पीडेंस ज्ञात कीजिए, अपन को ज्ञात करना है इस परिपथ का कुल इम्पीडेंस। और परिपथ ये है कि इसमें एक प्रतिरोध है 4 ओम का और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कितना है 3 ओम, यानी कि प्रतिरोध गिवन है 4 ओम और XL है 3 ओम। ज्ञात करना है दोस्तों अपन को इम्पीडेंस, ज्ञात करना है अपन को इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो इम्पीडेंस होता है जेड बराबर R² प्लस XL² का स्क्वायर रूट। श्रेणी RL परिपथ है, इसके लिए इम्पीडेंस फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 × 3 = 9, 16 और 9 = 25, 25 का वर्गमूल 5 और इम्पीडेंस का मात्रक ओम। तो इम्पीडेंस आ जाएगा इस परिपथ का 5 ओम, ठीक है। यह आया इसका आंसर। श्रेणी RL परिपथ था, श्रेणी RL परिपथ का इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। इम्पीडेंस क्या होता है, किसी भी AC परिपथ का कुल प्रतिरोधी उसका इम्पीडेंस कहलाता है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस श्रेणी RL परिपथ के लिए जेड बराबर R² प्लस XL² का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट की 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। तो इम्पीडेंस का मान आया 5 ओम। यस उतारो। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि परिपथ का कुल इम्पीडेंस ज्ञात करो। फिर से कुल इम्पीडेंस ज्ञात करना है अपन को, और इस बार जो परिपथ है उसके अंदर है एक प्रतिरोध और एक है कैपेसिटर। तो प्रतिरोध का मान है 12 ओम और कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का मान दे रखा है अपन को 5 ओम, और इस परिपथ का अपन को कुल इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। तो श्रेणी RC परिपथ के लिए इम्पीडेंस होता है जेड बराबर R² प्लस XC² और इसका स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे अपन दोस्तों, R का मान है 12 प्लस XC का मान है 5, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर होगा दोस्तों 25, ठीक है। ये हो जाएगा 169, 100 गुणांतर, ठीक है 169, और 169 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 13 और इम्पीडेंस का मात्रक होता है ओम। तो इसका आंसर आएगा 13 ओम। आए समझ में, उतारो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि निम्न परिपथ का कुल इम्पीडेंस, कुल धारा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात करो। ये कुछ परिपथ गिवन है अपन को, एक इसके अंदर अपन को कुल इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, कुल धारा ज्ञात करनी है और शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। परिपथ श्रेणी RL परिपथ, राइट। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे अपन इसका इम्पीडेंस, कुल इम्पीडेंस। इम्पीडेंस श्रेणी RL परिपथ के लिए दोस्तों इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस होगा R² प्लस XL², राइट। इसका स्क्वायर रूट, R की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर, ठीक है। 8 × 20 64 प्लस 6 × 6 = 36, ठीक है। 64 और 36 कितना बना 100, 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10, इम्पीडेंस का मात्रक ओम। तो इम्पीडेंस कितना है अपने पास 10 ओम,
ठीक है, कुल इंपीडेंस अपन ने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद में वो अपन से पूछ रहे हैं दोस्तों कुल धारा ज्ञात करो। तो दोस्तों कुल धारा क्या होती है, कुल धारा धारा होती है दोस्तों I बराबर V बटा R, ओम के नियम से होती है I बराबर V बटे R। लेकिन R जो है यहाँ पे एसी परिपथ में इम्पीडेंस के तुल्य होता है, जेड के तुल्य होता है। जो एसी परिपथ है, एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध ही इम्पीडेंस कहलाता है। तो यहाँ पे I बराबर V बटे R ना होकर क्या होगा, जेड, I बराबर V बटे जेड। तो यहाँ पे V कितना है, वोल्टेज है 40 और Z कितना है दोस्तों, Z है 10। तो ये कितना आएगा 4 एम्पियर, कितना आया 4 एम्पियर, यानी कि धारा अपन को मिली 4 एम्पियर। धारा कितनी मिली 4 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों शक्ति गुणांक भी ज्ञात करना है, इस परिपथ के लिए अपन को शक्ति गुणांक भी ज्ञात करना है। तो थर्ड है शक्ति गुणांक, याद करो दोस्तों पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, पावर फैक्टर का कोस फाई बराबर आर बटे जेड। एसी परिपथों के लिए कोस फाई बराबर होता है आर बटे जेड, यानी पावर फैक्टर जो है वो होता है आर बटे जेड, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, रेसिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, रेसिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, यही एसी परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे शक्ति गुणांक जो है पावर फैक्टर, प्रतिरोध है यहाँ पे दोस्तों इस परिपथ में प्रतिरोध सिर्फ कितना है 8, ठीक है। और इम्पीडेंस दे रखा है दोस्तों, इम्पीडेंस जो अपन ने कैलकुलेट किया है कितना आया 10, ठीक है, 8 बटे 10 कितना आएगा 0.8। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका मान आएगा 0.8। इस प्रकार अपन ने देखा इस परिपथ के लिए, सबसे पहले कुल इम्पीडेंस पूछा था, कुल इम्पीडेंस फाइंड आउट किया, उसके बाद में उसने कुल धारा अपन से पूछी, कुल धारा अपन ने फाइंड आउट की कितना आया 4 एम्पियर। उसके बाद में उसने अपन से पूछा इस परिपथ का शक्ति गुणांक भी ज्ञात करो। तो शक्ति गुणांक जो है कोस फाइव बराबर आर बटे जेड, एसी परिपथ के लिए कोस फाइव बराबर आर बटे जेड। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की, आर कितना है 8 ओम, और जेड जो है वो अपने पास अपन ने कैलकुलेट किया कितना आया 10 ओम। तो 10 यहाँ पे वैल्यूज की, ये भी ओम में था ये भी ओम था, इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 बटे 10 बराबर 0.8, ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू आई 0.8, ठीक। यस उतारो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों श्रेणी आरएलसी परिपथ से संबंधित, ठीक है, एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें आर एल और सी जो है तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन तीनों के लिए पूछा गया है कि इस परिपथ का कुल इंपीडेंस ज्ञात करो, कुल धारा ज्ञात करो और शक्ति गुणांक ज्ञात करो। कुल धारा पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज भी है, और सप्लाई वोल्टेज जो है दोस्तों इसका मान लेते हैं अपन कि जो है 25 वोल्ट गिवन है, 25 वोल्ट जो है सप्लाई वोल्टेज गिवन है। तो इसके लिए अपन को कुल इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, कुल धारा ज्ञात करनी है और शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं कुल इम्पीडेंस। तो जेड बराबर होता है दोस्तों श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए आर स्क्वायर श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करो, आर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 7 माइनस एक्सी कितना है 4, एक्सएल माइनस एक्सी यानी 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 और 9 कितना हुआ 25। तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो जेड बराबर कितना आएगा 5 ओम, जेड बराबर कितना आएगा दोस्तों 5 ओम। तो इम्पीडेंस, कुल इम्पीडेंस जो है वो अपने पास आया कितना 5 ओम कुल इम्पीडेंस। उसके बाद में वो अपन से पूछ रहा है कुल धारा भी ज्ञात करना है परिपथ की, ठीक है, कुल धारा। तो कुल धारा अपन ने देखा, कुल धारा अरे V बराबर क्या होता है दोस्तों I गुना जेड, ये ऑलरेडी मैं पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका आपको, ठीक है, V बराबर I गुना जेड। अतः धारा क्या होगी, धारा I बराबर V बटा जेड। तो V कितना है, अरे V कितना है, V ये गिवन है ना 25 वोल्टेज, ठीक है, और जेड कितना आया अपने पास, जेड आया 5।
तो आई बराबर कितना है 25/5 मतलब 5 एम्पियर। तो विद्युत धारा कितनी आई 5 एम्पियर, विद्युत धारा कितनी आई 5 एम्पियर। उसके बाद में इससे निकाला अपन ने धारा वी बराबर आई जेड से, ठीक है, कैलकुलेट की 5 एम्पियर। उसके बाद में ओपन से पूछ रहा है शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर ऐसी परिपथ के लिए पावर फैक्टर होता है कोस फाइव बराबर आर बटे जेड, आर बटे जेड। आर भी पता है अपन को और जेड भी पता है, ठीक है, आर भी पता है और जेड भी पता है। आर कितना है 4 और जेड कितना है, जेड कितना है अपने पास 5। यदि इसका अपन भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8। तो ये आ गया पावर फैक्टर अपने पास, पावर फैक्टर का मान भी कितना आया 0.8। तो इस प्रकार से श्रेणी आरएलसी परिपथ से रिलेटेड यदि वो कुछ भी पूछे अपन से, इंपेडेंस पूछे, उसमें प्रवाहित धारा पूछे या फिर उसका पावर फैक्टर पूछे, अपन इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यस उतारो। नेक्स्ट है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है आर एल और सी जो है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और अपन से वो पूछ रहा है कि कुल इम्पीडेंस, इस परिपथ का कुल इम्पीडेंस, कुल धारा और शक्ति गुणांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले वो इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। तो जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो जेड बराबर आर कितना है दोस्तों, आर है 12 प्लस एक्सएल कितना है, एक्सएल है 7 माइनस एक्सी कितना है 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये जाएगा दोस्तों 144 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 प्लस 25 कितना हो गया 169 यानी कि कितना आया 13। 169 का वर्गमूल 13 आता है, परिपथ का जो इंपीडेंस है वो अपन को मिला 13 ओम। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वो अपन से पूछ रहा है कि कुल धारा ज्ञात करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कुल धारा ज्ञात करो। तो कुल धारा आई बराबर क्या होती है वी बटा जेड, एसी परिपथ के लिए आई बराबर वी बटा जेड याद रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बराबर वी, वी वोल्टेज कितना है देखो 25 वोल्टेज है दोस्तों, 25 वोल्टेज। ठीक है, वी कितना है 25 वोल्टेज और जेड जो है वो 13 है, तो ये 25/13 एम्पियर क्या आ गई इसकी परिपथ की कुल धारा आ गई। यदि अपन जो है पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13 कितना बचेगा 12, 120 13 नाम 117 तीन बचेगा 13 × 26 तो 1.92 एम्पियर यह आ जाएगी इसमें करंट की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अपन ज्ञात करेंगे इसमें दोस्तों शक्ति गुणांक, वो फिर अपन से पूछ रहा है पावर फैक्टर ज्ञात करो। तो पावर फैक्टर होता है कोस फाई और कोस फाई एसी परिपथों के लिए आर बटे जेड। तो यहाँ पे पावर फैक्टर जो है आर बटे जेड, आर कितना है, आर है दोस्तों ये वाला आर, केवल आर प्रतिरोध 12 बटे जेड, जेड मतलब इंपीडेंस अपन ने फाइंड आउट किया कितना आया 13, तो 12/13 ये पावर फैक्टर का मान आया। या फिर अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.13 × 117 तीन बचेगा 30 13 × 26 तो 0.92 यानी कि लगभग इकाई के आसपास है। तो ये इसका पावर फैक्टर मिला अपन को। तो इस प्रकार जो है किसी भी श्रेणी आरएलसी परिपथ हो, श्रेणी आरसी परिपथ हो या फिर श्रेणी आरएलसी परिपथ हो, कोई सा भी फोर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो है अपन इंपीडेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और पावर फैक्टर का मान भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो हमारे लगातार वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग कोशिश करो इस यूट्यूब चैनल को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करने का ताकि जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है इस यूट्यूब चैनल का फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।